कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लखनऊ के पास बाराबंकी ज़िले के जैदपुर एक गांव में आए हैं जहां पर महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। ये शुभ मिंट के नाम से एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें मिंट और आदि खेतियों को लेकर के महिलाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। ये एक संस्था है टेनेजर जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, जिसने आज इस किसान महिला दिवस का आयोजन किया है। देख सकते हैं 300 से ऊपर इसमें वो गृहणियाँ, वो महिला किसान हैं जो अपने पति के साथ साथ खेती किसानी में भी हाथ बटाती हैं। किस प्रकार से वो उत्तम बीजों का इस्तेमाल करें, किस प्रकार से अपनी खेती को बढ़ावा दें और किस प्रकार से एक समिति, एक कंपनी बनाएं। ये देखिए, एक यहाँ छोटी प्रदर्शनी भी लगी है जिसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि आप खेती के अलावा ये हैंडीक्राफ्ट का सामान बना करके भी अपनी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन कर सकती हैं। वर्कशॉप के माध्यम से और स्टॉल्स के माध्यम से यहाँ पर लोगों को जागरूक, महिलाओं को जागरूक किया गया है। ये ट्रेनिंग और मीटिंग का एक छोटा सा पंडाल है, देख सकते हैं बूथ बैग बनाए गए हैं और कई तरीके की झालर्स, बंधनवार, डलिया, ये सब चीज़ें बनाई गई हैं और महिलाओं को लगातार जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बाराबंकी से सटे हुए कई ज़िलों में ये काम किया जा रहा है क्योंकि मिंट यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बोया जाता है। ये देखिए, एक मॉडल बनाया गया है कि जो आप किचन गार्डन है उसमें आप किस तरीके से सब्जियों को लगाएं, कौन सी सब्जी किस प्रकार से किसके साथ उगाई जा सकती है, इन सब चीज़ों की जानकारी भी यहाँ पर महिलाओं को दी गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ इन प्रदर्शनी के साथ साथ एक कंपनी का गठन किया गया जिसमें 300 से ज़्यादा महिलाएं हैं और वो महिलाएं मिल करके अपने उत्पादों को एक जगह इकट्ठा करेंगी और फिर उसकी बिक्री करेंगी। ये आप देखिए, ये किस प्रकार से महिला अपनी कंपनी का गठन कर रही हैं, इसको देखिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है जी। आज ये बाराबंकी के जैतपुर में महिला किसान दिवस मनाया गया, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं, क्या आयोजन है ये? सर, ये जो महिला किसान दिवस ये मना रही है महिलाएं, ये इनको एकत्रित किया गया है टेनेजर संस्था द्वारा।
ताकि ये अपना पावर समझ सके। इन्होंने एक कंपनी बनाई है जिसका आज शुभारंभ भी है, उसका उद्घाटन होना है उनके ऑफिस का। ये महिलाएं जो हैं एकत्रित होकर अपना एक कंपनी बनाई है जो अपना उत्पाद ये खुद बेचेंगी बाज़ार में, और जो इनका इनपुट है जैसे खाद बीज वगैरह ये इकट्ठा होकर खरीदेंगी ताकि इनको इनका लागत कम हो और जो इनको प्राइस है जो मूल्य है वो अच्छा मिले बाज़ार में। और जो टेनेजर संस्था इनको टेक्निकल असिस्टेंस दे रही है ताकि इनका उत्पाद बढ़े अच्छे क्वालिटी का हो और बाज़ार में जो है इनका कीमत अच्छा मिल सके। ये कंपनी किस तरीके से काम करेगी? ये कंपनी जो महिलाओं की कंपनी है ये जैसे आपका फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है उसी एक्ट के तहत इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह काम करेगी। इसलिए इनका हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, इनको बाहर कई बार एक्सपोजर पे ले गए, इनको दिखाएं देखो कैसे एक कंपनी काम करती है। और हम चाहते हैं इस प्रदेश में ये कंपनी इतना नाम करे और ताकि ये दूसरे के लिए जो है एक एग्जाम्पल हो जाए और भी महिलाएं बाहर आएँ और ये अपना काम खुद संभालें। सर आपका क्या नाम है? नाम जी थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताइए जिसका आज गठन हुआ है, किस तरह से काम करेगी और महिलाओं को लेकर के इस ये कंपनी कितनी कारगर सिद्ध होगी, किस तरीके से काम करेगी? ये पहली बार गठित हुई है महिलाओं की कंपनी, पुरुषों की कंपनियां तो बहुत हैं अपने देश में जी, महिलाओं की ये पहली कंपनी है। और इस कंपनी के माध्यम से जो भी कृषि उत्पादन है वो कंपनी खरीदेगी और फिर इसको मार्केट में ले जाएगी, बेचेगी, जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी के काम में आएगा जी। इससे किस तरीके से महिलाओं को लाभ होने वाला है? इससे महिलाओं को लाभ एक तो यह है कि ये खेती कराएंगी, खेती कराने में जो भी फायदा होगा जितना टेक्निकल गाइडेंस है वो हमारी संस्था टेनेजर देगी जी, जो फायदा होगा वो सारी कंपनी का होगा जी। और ये महिलाएं जो हैं अपने आप में एक अनुकरणीय होंगी दूसरों के लिए कि कैसे खेती की जाए, कैसे लाभ कमाया जाए कंपनी के माध्यम से, वो सारी चीज़ें इस कंपनी के माध्यम से। ये हम लोगों की कोशिश है कि पूरे प्रदेश में धीरे धीरे करके पूरे देश में ये फैले और सभी लोग इसका अनुकरण करें।